आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता का अर्थ तथा उसकी परिभाषा पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह होता है सृजनात्मकता की विशेषताएं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो चूंकि अभी तक मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री सृजनात्मकता को परिभाषित करने में एक मत से सहमत नहीं हो सके हैं और न ही कोई इसकी सर्वमान्य परिभाषा दी गई है जिसको सभी लोग मानते हों, इसलिए सृजनात्मकता को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सृजनात्मकता की जो विशेषताएं हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा नंबर 1, लक्ष्य निर्देशित होना, गोल ओरिएंटेटेड। तो लक्ष्य केंद्रित होने में, लक्ष्य निर्देशित होने में की जो प्रक्रिया होती है या सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया होती है वह लक्ष्य निर्देशित होती है। इसमें लक्ष्य जो होता है वह हमारा क्या होता है, निर्धारित होता है। सृजनशील व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए सृजनात्मकता की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होती है, लाभकारी होती है। दूसरा हमारा जो टॉप, ये दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरी हमारी विशेषता है लोचशीलता, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सृजनात्मकता में लोचशीलता का होना जो होता है वह परम आवश्यक है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि कोई बालक है, वो किसी कागज पर कोई सुंदर सा चित्र बनाता है तो वह अपनी मर्जी से उसमें रंग चुनकर भर सकता है, अथवा वह कागज के स्थान पर लकड़ी की पट्टियां या लकड़ी की पट्टियां जिसको हम बोलते हैं हार्डबोर्ड, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। अपने सृजनशील शक्ति से बनाए हुए चित्रों में मनपसंद रंग भरने से उसकी सुंदरता जो होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए कलाकार जब अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु का निर्माण करता है तो उसकी सुंदरता में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और यह किस पर निर्भर होती है, व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति पर। तो सृजनात्मकता जो होती है वह क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। तीसरा हमारा है मौलिकता, ओरिजिनेलिटी। मौलिकता, सृजनात्मकता जो होती है उसमें मौलिकता का, ओरिजिनेलिटी का होना हो जो होता है वह आवश्यक होता है। जब तक कोई भी वस्तु, कोई भी विचार मौलिक ओरिजिनल नहीं होंगे तब तक वे विचार किसी भी व्यक्ति के सृजन नहीं कहलाए जा सकते। वह विचार या कोई वस्तु न तो केवल नकल से उत्पन्न होती है, न ही कॉपी करने से, न ही अनुकरण करने से। तो जो भी व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति होती है उसमें मौलिकता का होना जो होता है वह परम आवश्यक होता है। फोर्थ हमारी विशेषताएं हैं सृजनात्मकता की, नवीन चीजों का या भिन्न चीजों का निर्माण करना, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स। यह बात हमेशा याद रहे कि सृजनात्मकता में हमेशा नई वस्तु या फिर कोई अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। सृजनात्मकता की प्रत्येक अवस्था में एक अनोखापन पाया जाता है, चाहे वह लिखित रूप में हो, चाहे वह मौखिक रूप में है, चाहे वह मूर्त रूप में हो, चाहे वो अमूर्त रूप में हो। तो सृजनात्मकता की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कोई नवीन चीज या फिर किसी चीज का निर्माण होता है जो कि पहले से भिन्न होती है। यह सृजनात्मकता की क्या है, एक विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है जिज्ञासा, क्यूरियसिटी। सृजनात्मकता की जो एक विशेषता कहलाती है वह होती है व्यक्ति की अपनी जिज्ञासा। सृजनात्मकता के लिए बच्चों में नई नई बातों को जानने की जिज्ञासा एवं उच्च बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। जब तक उनमें नवीन चीजों के निर्माण के लिए जिज्ञासा या उच्च बौद्धिक योग्यता नहीं होगी तब तक वह किसी भी नवीन वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अतः बच्चों में नई नई चीजों को देखने के लिए, उनको समझने तथा उनको क्रियान्वित करने की जो जिज्ञासा होती है वह होनी चाहिए। जिज्ञासावश ही बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं तथा उसके आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं।
अक्सर यह देखा गया है कि जो नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है वह मेधावी छात्रों के द्वारा होता है और सबसे पहले वही उन्हें करने के लिए प्रेरित होते हैं। परंतु यह भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक बालक में यह गुण, सृजनशीलता का गुण पाया जाए। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, केंद्र विमुख चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता के लिए उन्मुख चिंतन यानी फ्री थिंकिंग का होना जो होता है वह ज़रूरी होता है। यदि बच्चा केवल केंद्र विमुख चिंतन ही करेगा तो उसमें सृजनात्मकता का उतना विकास नहीं हो सकेगा जितना कि होना चाहिए। चिंतन के माध्यम से ही बच्चे अपनी कल्पनाओं में पहले से उस नवीन वस्तु का चित्रण अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में अंकित करता है और फिर उसे वास्तविक रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यह उसकी किस सोच पर निर्भर करता है? केंद्र विमुख चिंतन पर सोच, केंद्र विमुख चिंतन पर सृजनात्मकता जो होती है वह निर्भर होती है। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट, चिंतन का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग। सृजनात्मकता चिंतन का एक तरीका होता है परंतु इसे बुद्धि का पर्याय नहीं कहेंगे, यह बुद्धि से भिन्न भी हो सकता है। चिंतन की स्थिति में मानसिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण ही किसी नई वस्तु और मौलिक उत्पाद का सृजन किया जाता है। तो यह बच्चे की सोचने की शक्ति पर भी निर्भर करता है।